हमने यहाँ पर एक एक्सकेवेटर बकेट क्रिएट किया है जिसका 2D ड्राइंग ड्राइंग सीट में हमने यहाँ पे फ्रंट व्यू अप्लाई किया है। तो इसको इसमें हम प्रोफेशनल डायमेंशन कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में आज जानेंगे। तो देखिए अभी हम इसमें इसके डायमेंशन हम अप्लाई करते हैं। जैसे ये रेडियस हमने यहाँ पे अप्लाई की, इस तरह से ये मेंशन हो रहे हैं सारे डायमेंशन, इसकी रेडियस, फिर इसकी लेंथ, फिर यहाँ से इसकी लेंथ। ये देखिए ये सारे ड्राइंग सारे डायमेंशन हमें mm साइज में, मतलब के मिलीमीटर में शो हो रहे हैं। अब हमें ये क्या करने हैं, सारे डायमेंशन हमें इंच साइज में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इन्हें इन सब डायमेंशन को अभी हम यहाँ पे यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे यूनिट सेक्शन में जाना है। यूनिट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए IPS इंच इसको सिलेक्ट करना है और फिर से हम डायमेंशन अप्लाई करेंगे। इस तरह से देखिए ये इसके सारे डायमेंशन इस तरह से शो हो रहे हैं। लेकिन ये कोई भी इंजीनियर या कोई भी टेक्निकल जो ऑफिसर होगा वो देखेगा तो ये प्रोफेशनल डायमेंशन लग नहीं रहे हैं इसमें, जैसे लगता है ये mm साइज के डायमेंशन अप्लाई किए। इसके लिए आपको कुछ नोट्स यहाँ पे टाइप करनी पड़ेगी कि ये सारे डायमेंशन हमने इन साइज में अप्लाई किए हैं, तो वो सब नहीं करना है हमें। तो सिंपली इसे अभी फिर से रिमूव कर देते हैं। अब मैं इसको इसका सही तरीका आपको बताता हूँ जिससे हमारा ड्राइंग है उसके सारे डायमेंशन प्रोफेशनल लगे। तो फिर से यूनिट सेक्शन में जाना है, एडिट डॉक्यूमेंट यूनिट इसको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से एक पॉपअप विंडो यहाँ पे ओपन होगा, उसमें डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में यूनिट को सिलेक्ट करना है और IPS इसे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे सिंपली आपको फ्रैक्शन के जस्ट नीचे यहाँ पे 2 से लेके 256 वहाँ तक किसी भी आंकड़े को या कोई भी फिगर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 16 एंटर करता हूँ, 16 टाइप करके ओके कर देना है। अब हम फिर से डायमेंशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए किस तरह से आ रहे हैं, ये देखिए 24 इंच, 12 इंच, यहाँ पे देखिए 14 by 1/2, मतलब प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे सारे डायमेंशन शो हो रहे हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई नोट यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो कोई भी देखेगा तो यही डायमेंशन समझ लेगा कि ये 27.5 का इंच का ये लेंथ है। कोई भी समझ लेगा किसी भी तरीके से, किसी भी इंजीनियर या किसी भी टेक्निकल पर्सन को आप बता सकते हैं। फिर इस होल से इसका डिस्टेंस तो इस तरह से आप इसके सारे डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। फिर से हम एडिट डॉक्यूमेंट यूनिट में जा रहे हैं, जाके इसका थोड़ा और चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हम 16 की जगह 2 एंटर कर देते हैं और ओके कर देते हैं। आप 2 लिखेंगे तो भी इस तरह से इसके सारे डायमेंशन अप्लाई होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हमें ये टाइप कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। हम एडिट इसमें भी हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 16
और ओके करना है। अब ये रेडियस जैसे 24 इंच है तो हम यहाँ पे कैसे कैसे टाइप करेंगे, हमें यहाँ पे जैसे 24.5 इस तरह से हमें यहाँ पे मेंशन करना है, तो हम कैसे टाइप करेंगे 24 और यहाँ पे स्पेस छोड़ना है, फिर 1/2 एंड देन ओके एंटर कर देना है। देखिए तो इस तरह से यहाँ पे ऐसे शो हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए।